16 जनवरी 2022 को कोरोना रोधी टीकाकरण का भारत में एक वर्ष पूरा हो गया है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर बिहार का इसमें स्थिति क्या है वर्तमान में बात किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में भारत में लगभग 156 करोड़ से अधिक लोगों को ये जो वैक्सीनेशन का डोज पूरा हो चुका है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। एक और चीज जान लीजिए कि 16 जनवरी 2021 की इसको शुरुआत हुआ था और इसकी घोषणा जो हुआ था 9 जनवरी 2021 को हुआ था। वर्तमान में अगर रिसेंट डाटा की बात किया जाए तो 2/3 वयस्क आबादी को दोनों डोज जो है लग चुका है। वहीं बात किया जाए 15 से लेकर 18 साल के किशोरों का टीकाकरण, जिसकी शुरुआत कब से हुआ है, तो इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2022 से हुआ और वर्तमान में अभी 17 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के बीच में, तो अभी लगभग 2 सप्ताह हो गया है और 40% से ज्यादा बच्चों को डोज लगाई जा चुकी है। 10 जनवरी 2022 से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो गया है। अब बात करेंगे इस वीडियो में कि बिहार में टीकाकरण का स्थिति क्या है। देखिये, बिहार में पिछले साल 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा टीकाकरण की शुरुआत किया गया था और एक साल यानी कि 365 दिनों में राज्य में वर्तमान में 10.67 करोड़ टीकाकरण संभव हो गया है और बिहार का स्थिति जो है टॉप 5 में शामिल है। बीते 15 जनवरी यानी कि आज 17 जनवरी है, 15 जनवरी की बात कर रहे हैं तो बिहार में एक दिन में यानी कि 15 जनवरी को 3,67,000 लोगों को वैक्सीन लगी है और बूस्टर डोज कितना लगा तो 18,555 लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज लग गया है। एक और चीज जानना है कि ये कैसे कैसे संभव हो पाया, तो 1 करोड़ जो टीकाकरण था ना बिहार में वो 26 मई 2021 को पूरा हो गया था, वहीं 2 करोड़ का आंकड़ा कब पूरा हुआ था तो 16 जुलाई 2021 यानी कि जो है 1 करोड़ जिस दिन से हुआ था उसके अगले 50 दिनों में ये 2 करोड़ हो गया था। 19 सितंबर 2021 को यह आंकड़ा 5 करोड़ पहुंचा और वहीं अगर बात किया जाए तो 31 दिसंबर 2021 को यह कितना हो गया, 10 करोड़ वैक्सीनेशन बिहार में पूरा हो गया। अब देखिए, बिहार में कोरोना का वर्तमान में संक्रमण जो है कम होता नजर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे यह इंक्रीज होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात किया जाए तो बिहार में 5,410 नए मरीज केवल मिले हैं और 24 घंटे में 5,809 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये आंकड़ा जो है ना ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। रिकवरी दर की बात किया जाए तो 93.95% है और राज्य में जो कोरोना का कुल एक्टिव केस की अगर बात किया जाए 35,508 केसेज है यहाँ पे वर्तमान में। अब देखिए, यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा एक निर्णय भी लिया गया है कि जो भी मैट्रिक और इंटर जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें जो भी परीक्षार्थी बैठेंगे उनको इसका लक्ष्य है कि 26 जनवरी 2022 यानी कि अगले कुछ ही दिनों में लक्ष्य है सरकार का कि सभी को परीक्षार्थी खास करके जो भी एग्जाम देने जाएंगे उनका टीकाकरण कर लिया जाए। राज्य में अगर बात किया जाए 15 से लेकर 17 आयु वर्ग के किशोर लगभग 83 लाख है, जिसमें से 25 लाख जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण हो गया है और वहीं 58 लाख बच्चों का टीकाकरण रह गया है। तो देखते हैं यह संभव हो पाता है कि नहीं, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा खास करके जो कोविड के लेकर जो भी टीकाकरण अभियान था वो सफल रहा है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 12 का एग्जाम 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में होगा और 17 से लेकर 24 फरवरी के बीच में जो मैट्रिक का एग्जाम होना है यहाँ पे। और देखिए, जो इस पेंडेमिक में जो टीका है ना वो बहुत कारगर होता है, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप लोग जहां भी हैं अगर अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाए हैं तो जरूर वैक्सीनेशन लगाएं। अब एक और सवाल आता है कि आखिर बूस्टर डोज क्या होता है। देखिए, बूस्टर डोज लगाने के लिए क्या होता है कि पहला कि सभी लोगों को लगता है कि क्या किन्हीं को 60 साल से अधिक हो गया है और वो गंभीर बीमारी है उनको तो क्या बूस्टर डोज लगा सकते हैं, तो जी हाँ वो बूस्टर डोज लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है बूस्टर डोज के लिए कि अभी वर्तमान में फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो स्वास्थ्य कर्मी है ना उन्हीं को केवल लग रहा है। और एक और चीज जान लीजिए कि यह डोज उन्हें ही लगाया जा सकता है ताकि जो दूसरा जो वैक्सीनेशन का होता है ना, मान लीजिए कोविड का दो अभी लगता है ना टीका, एक पहला टीका दूसरा टीका, तो जब दूसरा बार जो लगाया जाता है तो उससे 9 महीना होना चाहिए, 9 माह अगर पूरा हो जाता है तभी आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो ये सब क्राइटेरिया है। और एक और चीज बता दूं कि अभी जहां भी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं अभी बहुत सारे जो ऑफलाइन क्लासेज है वो बंद है और मास्क लगा के जरूर बाहर में निकलिए। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि अगर बिहारी योद्धा ऑफिशियल, यहाँ पे ऑफिशियल जोड़ देना है, बिहारी योद्धा ऑफिशियल का फेसबुक पेज है,
फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि देखिए फेसबुक पेज पे हम क्या करते हैं कि रोजाना सुबह 8 बजे तक आप लोगों को बिहार समाचार मिल जाएगा और मात्र एक ही पेज में आप लोगों को जो दिन भर में जो भी यहाँ पे घटना होता है या आपके काम की चीज है वहां पे मेंशन करा हुआ मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि डिप्टी सीएम जो तारकिशोर प्रसाद हैं और बिहार कोकिला हैं शारदा सिन्हा, इनके द्वारा राजपाल पुनिया की किताब का विमोचन किया गया। वहीं पटना में 3 डिग्री तापमान गिर गया है। तो देखिए बहुत सारा आपको जो पेपर है ना वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मात्र वहां पे जाइएगा एक बार स्लाइड फोकस करिएगा सभी चीज आप लोगों को एक जगह मिल जाएगा। बिहार में नालंदा जो है चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे 11 लोगों को जहरीली शराब से मौत हो गया है। तो ये था आज का वीडियो, हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।